ये देखिए दोस्तों, छत पे ये जो है गेहूं उठा के लाया हूँ। नीचे से मोबाइल गिर गया था अभी। ये गेहूं धोया हुआ है, तभी इसको इस पे डालना है। अभी एक बोरा और है, एक दोरा और है, तभी वो भी उठा के लाते हैं। तो आज ये हमारी ड्यूटी है। बड़ी बहन ने गेहूं धोया था तो छत पे तीन तारा पे चढ़ा रहा हूँ उसको नीचे से, तो हालत ख़राब हो गई चढ़ने में। तो अभी इसको नीचे जो है इस बेडशीट पे डालना है, फैलाना है, सुखाना है धूप में। तो चलिए, एक और ऐसा नीचे है उसको भी लेके आते हैं। अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम पे मोबाइल गिर गया था, तो मुझे लगा कि डिस्प्ले चला गया, लेकिन बच गया, कुछ हुआ नहीं। तो चलिए दूसरा लेके आते हैं। ये दूसरा भी लेके आ गया, अब इसको नीचे रखते हैं। अभी देखिए, ये जो गेहूं लाए हैं इसको इस पे डालना है बेडशीट पे। अभी वो मेरी ड्यूटी है, पूरा मेरे लगा हुआ, पूरा तेज़ धूप है। छोटी बहन है, नीचे घर की सफाई में लगी हुई है, तो अभी मेरा काम है। देखते देखिए कैसे डालते हैं इसको। गेहूं को फैलाते हैं, जितना ज़्यादा फैलाएंगे, जितना पतला करेंगे ना वो लेयर, उतना जल्दी सूखेगा। आप लोग जो गांव में होंगे उनको पता होगा कैसे डालते हैं। हालत ख़राब हुई नीचे से ऊपर लेके आने में, थर्ड फ्लोर तक लेके आया। देखिए गेहूं को ऐसे डालते हैं, ऐसे ही इसको जितना पतला करेंगे उतना जल्दी सूखेगा। इसको नीचे हमारी जो बड़ी बहन है उन्होंने धोया था, अभी वो है नहीं, चले गई मंदिर में पूजा करने के लिए। छोटी बहन है के लिए इतना भारी है, उससे उठा नहीं, उठेगा नहीं, और वो नीचे सफाई में लगी हुई है, इसलिए मुझे करना पड़ा। और ये गेहूँ चढ़ाने वाला काम मैं ही करता हूँ, क्योंकि नीचे से ऊपर आना बहुत मतलब टफ काम है, बहुत हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है। दोपहर में एक बार आके फिर इसको उलट पुलट करना है, तभी सूखेगा वो। भाई दो दिन कम से कम धूप लगेगा, तब जाकर सूखेगा। चलिए फिर नीचे चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष द ब्लॉगर। सुबह की शुरुआत काढ़े के साथ हो चुकी है मेरी। अभी डेली की तरह मैं आध्या और बाबू को स्कूल छोड़ के भी आ रहा हूँ। आध्या बोले तो छोटी, बाबू बोले तो आदित्य रंजन, उन लोगों को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बक्सर का दर्शन कराने जा रहा हूँ। बक्सर जो एक पवित्र भूमि है, एक पवित्र पावन स्थल है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और महर्षि विश्वामित्र और श्री राम जी की शिक्षा यहीं पे हुई थी। महर्षि विश्वामित्र का नगरी है बक्सर, एक दार्शनिक स्थल है, आपको पता होगा। बक्सर एक धार्मिक स्थल भी है। तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको पीछे से स्टार्टिंग करता हूँ मैं बक्सर स्टेशन से, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। कहीं से कोई आता है तो सबसे पहले यहीं पे उतरता है, तो यहीं से शुरुआत करता हूं मैं। आपको बैक कैमरे से पीछे बक्सर का स्टेशन का सीन दिखाता हूं, उसके बाद आपको पूरा बक्सर घुमाएंगे। आज बक्सर में क्या क्या फेमस है, क्या क्या प्रसिद्ध है, तो आपको पूरा बक्सर का दर्शन कराएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, और जो आवाज़ में जो कमी होगी उसके लिए मुझे खेद है, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, तो माइक ले लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेने में। तो आपको, आप वीडियो बने रहिए, आपको दिखाता हूँ बक्सर के सीन, बक्सर स्टेशन का सीन दिखाता हूँ, उसके बाद चलेंगे बक्सर में जो जो फेमस है वो दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से बक्सर स्टेशन है, ये बक्सर स्टेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। ये देखिए बगल में एक मंदिर है, जो बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे स्टेशन के जस्ट स्टेशन परिसर में ही। ये देखिए, जैसा कि बताया मैंने आपको, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि एवं भगवान राम की शिक्षा दीक्षा स्थल पवन तीर्थ बक्सर में आपका स्वागत है। स्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये बक्सर का बाहरी लुक है, स्टेशन के बाहर का सीन है ये। आप देखिए वो जो सामने दिख रहा है वो टिकट काउंटर है, उसमें टिकट काटा जाता है, और ये बाहर का स्टेशन के बाहर का लुक है।
ये लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट है जो स्टेशन परिसर में लगा हुआ है। आप देखिए बक्सर का, आपको चलिए थोड़ा अंदर का सीन भी दिखा देते हैं, टिकट काउंटर वगैरह और बक्सर स्टेशन का परिसर भी दिखा देता हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए, आपको दिखाता हूँ अंदर का सीन। ये जो एरिया दिख रहा है ये इंक्वायरी ऑफिस है और ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पे लोग वेटिंग हॉल है, ये यहाँ पे लोग वेटिंग वेट करते हैं, जो दूर से कस्टमर आते हैं, जो दूर से मतलब पसेंजर लोग आते हैं, वो लोग यहाँ बैठे रहते हैं। ये वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल के जस्ट बाजू में देखिए रिजर्वेशन काउंटर है, ये जो एरिया है ये भी वेटिंग हॉल है। ये देखिए ये रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ पर रिजर्वेशन कराते हैं और इसके बगल में जनरल टिकट होता है, ये भी एक वेटिंग हॉल जैसा ही है। और ये जो सामने एरिया जा रहा है ये एक स्टेशन कैंपस में जा रहा है, प्लेटफॉर्म की साइड में जा रहा है, ये देखिए यहीं रास्ता जाता है प्लेटफॉर्म साइड में। ये ऊपर जाने की ये सीढ़ी है, तो ओवर ब्रिज के लिए सीढ़ी है। और ये जो है हम लोग अभी आ गए प्लेटफॉर्म नंबर वन पर, ये देखिए यही है प्लेटफॉर्म नंबर वन, और उस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर टू है, देखिए जो उधर ट्रेन खड़ी है उस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर तीन है। ये ओवर ब्रिज है, ये रेलवे ट्रैक है, ये प्लेटफॉर्म नंबर वन हो गया, उस साइड में टू हो गया, और उसके साइड में जो ट्रेन खड़ी है वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर तीन हो गया। तो यही है बक्सर स्टेशन का नज़ारा है, बहुत सारे बंदर रहते हैं यहाँ पर। तो देखिए वो ट्रेन जो दिख रही है प्लेटफॉर्म नंबर तीन है और ये ओवर ब्रिज हो गया। चलिए आपको और भी सैर कराते हैं। ये देखिए बक्सर स्टेशन से सटे हुए एक शहीद स्मारक है, कमलदह पार्क बोलते हैं इसको, कमलदह परिसर पार्क है, ये बक्सर से बिल्कुल सटा हुआ है। ये स्मारक है, शहीद स्मारक है, आपको दिखाता हूँ अंदर का सीन। ये देखिए यहीं वह स्मारक है, देखिए शहीद स्मारक का स्थान है ये। ये चारों तरफ से पोखरा है, आप देखिए कमलदह पोखरा के नाम से ही जगह फेमस है। एक तरह से बोल सकते हैं कि पार्किंग प्लेस है ये, पार्क है, गार्डन है, आप घूमने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कैंपस है। ये पूरा एरिया बनाया है चारों साइड से घूमने के लिए बनाया गया है। ये देखिए ये पार्क है, ये पोखरा जैसा है, पूरा गार्डन का जैसा है, आप शाम को भी यहाँ पे या फिर सुबह में वॉकिंग कर सकते हैं। चारों साइड से ये सब बनाया हुआ है, आप देख ले सकते हैं। ये पानी जब गंदा होता है तो चेंज होता है, पानी चेंज होने के देखिए वहाँ पे जो ब्लू रंग का सीढ़ी वाला बनाया है वहीं से पानी। ये देखिए वहाँ से वहीं जो सामने एरिया दिख रहा है वहीं से पानी चेंज होता है, पानी जब भी कम होता है फिर गंदा होता है तो पानी यहीं से चेंज करते हैं। अब देखिए इस साइड से नज़ारा, ये देखिए वहाँ पे एक लेडीज कपड़े धो रही है, लोग तालाब गंदा करते हैं ऐसे ही। इसको शहीद स्मारक बोलते हैं, शहीद भवन है ये, वहीं पे स्मारक है। अब देखिए बहुत अच्छा लोकेशन है ये घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह, पार्किंग वाला एरिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे लोग तालाब देखिए कपड़े धो धो के लोग गंदा कर रहे हैं। बक्सर स्टेशन के पास में बक्सर नगर भवन है, ये ऐसा जगह है, आप देखिए वीडियो में, ये ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी मीटिंग, बक्सर में कोई मीटिंग होता है, कोई मतलब पार्टी होती है तो यहीं पे होता है, जो भी गवर्नमेंट मीटिंग होता है सब कुछ यहीं पे होता है। आप देखिए यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, अभी लगा हुआ है तो पूरा वैक्सीन के लिए भीड़ लगी हुई है। ये जो है ये मेन गेट है, यहीं से नगर भवन में एंट्री करते हैं। आप देखिए ये टाउन हॉल बक्सर नगर भवन, यही नगर भवन है, अभी वैक्सीनेशन सेंटर, इसलिए भीड़ लगी है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट मीटिंग को भी होता है, कोई पार्टी होती है, सब कुछ यहीं पे होता है। टाउन हॉल देखिए बक्सर नगर भवन, भीड़ कितनी लगी है। ये देखिए ये भी एक मस्त छोटा सा पार्क है घूमने के लिए, ये भी जगह सही है, यहाँ पे मस्त हाथी लगा हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए जगह है, देखिए कितना बड़ा हाथी है, बच्चों का खेलने का प्लेस भी है यहाँ पर, पार्किंग टाइप का है, मतलब पार्क टाइप का है, बच्चों को खेलने के लिए सब बनाया हुआ है। आप देखिए ये सूख गया है, पूरा पानी सूख गया है इसमें का, झूला झूलने के लिए है यहाँ पे, ये पूरी तरह से बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है, गार्डन टाइप का है, एक पार्क टाइप का है, ये भी अच्छा जगह है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बक्सर में सबसे बड़ा चीज़ यही है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यही नगर भवन है बक्सर में, जो भी सरकारी मीटिंग होता है, जो भी गवर्नमेंट मीटिंग होता है, पार्टी होती है या फिर कोई ब्रीफिंग होता है तो इसी भवन में होता है।
आप देखिए यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे लोग बैठ कर टाइम पास ही करते हैं। बहुत मस्त एरिया है। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ लगी है वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ पे वैक्सीन सेंटर है यहाँ पे, तो लोग वैक्सीन के लिए आए हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है वैक्सीन के लिए, लोग भीड़ लगाए हैं। कोरोना ने सबको परेशान करके रख दिया है। देखिए कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे, आप देखिए। और चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं। बक्सर स्टेशन और कमलदा पोखरा के जस्ट थोड़ा सा नज़दीक में स्थित है बक्सर व्यवहार न्यायालय, यानी कि बक्सर का सिविल कोर्ट, आप कोर्ट बोल सकते हैं, कचहरी बोल सकते हैं, या फिर सिविल कोर्ट बोल सकते हैं। ये देखिए ये बक्सर का सिविल कोर्ट है, बक्सर का व्यवहार न्यायालय है, कोर्ट कचहरी का। और इससे इसी रास्ते से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बक्सर का कलेक्ट्रेट है, मतलब DM साहब का ऑफिस है। DM साहब यहीं बैठते हैं, यहीं पे उनका ऑफिस होता है, कार्यकाल उनका यहीं पे होता है। ये देखिए ये जो गली दिख रहा है ना, ये जो है एरिया, ये DM साहब का ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है। आप सामने देखिए, सामने जो ये गेट दिख रहा है वो है कलेक्ट्रेट, यानी कि DM साहब का कार्यालय ऑफिस, यहीं पे उनका ऑफिस है। मीटिंग वोटिंग उनका जो भी होता है, कार्यालय काम का सब कुछ यहीं पर होता है। और ये जो कचहरी के बगल में, ये जो पूरा कैंपस दिख रहा है ना, ये बक्सर सिविल कोर्ट का पूरा कैंपस है, मतलब व्यवहार न्यायालय का कैंपस है। ये मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है। कोरोना के चलते सब कुछ बंद है, सारा काम वर्चुअल हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत भीड़ लगी है यहाँ पे। ये देखिए यही है बक्सर सिविल कोर्ट।